20 से 30 साल के अंदर जितने भी बॉडी में इंटरनल चेंजेस आते हैं उसका हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट आता है आपकी स्किन वाहिद वाहन है जो साइज में बढ़ता रहता है इंजेक्शन इस एज में यूज कर लेने चाहिए ये अपने आप से दुश्मनी है इस एज ग्रुप में लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं अक्सर मेन जो साइड की हैं वो स्वेल कर जाती है प्लेयर की से, क्या हमारी ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं? 40 पे जाके वो खत्म हो जाएगी मशीनरी फेब्राइड्स का नुकसान क्या होता है प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही उसकी वजह से कई बार हुँ. रिस्की हो जाता है लेडीज का जो एक महसूस आयाम होता है तो उनको किसी तरह मैनेज किया जा सकता है नेवर एवर मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, चाहे गायनी वाली सारी मेरे खिलाफ हो क्या आपको पता है कि जैसे ही आप 20s में एंटर होते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं लेकिन हम लोग उन चेंजेस के बारे में जानते ही नहीं है जिसकी वजह से उन्हें डील करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आज का ये पॉडकास्ट इसलिए भी जरूरी है कि हम ये समझ सकें कि लड़कों में ये किस किस्म के चेंजेस होते हैं कौन से मेंटल फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं जिनसे उनकी लाइफ चेंज हो रही होती है उनकी बॉडी चेंज हो रही होती है और इसी तरह लड़कियों में भी ये चेंजेस वेरी कर रहे होते हैं तो इस पॉडकास्ट में मैंने डॉक्टर जावेद अहमद से वो सारे सवाल पूछे जिनसे मैं इस एज टेन में गुजरी थी और मैं ये चाहती हूँ इनके तवज्जुद से वो सारी चीजें आपको भी पता चले ताकि आप और मैं सब इस चीज को डायग्नोस कर सकें कि कहीं वो चेंजेस जो हैं वो बीमारी में तो कन्वर्ट नहीं हो रहे इन सब सवालों के जवाब समझने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखें 20 से 30 साल के अंदर जितने भी बॉडी में इंटरनल चेंजेस आते हैं उसका हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट आता है एक वर्ड यूज होता है बेबी स्किन बेबी स्किन तो इस कब आपने भी देखा होगा कि सारे ही बेबी जो होते हैं मेजोरिटी बेबी अगर ज़रा सी भी उनकी बैलेंस डाइट माँ बाप की थी और वो अच्छे घर में जरा या मिडल क्लास में भी है तो बड़ी फ्रेश और सॉफ्ट स्किन होती है उनकी ट्वेंटी तक आते आते उनके हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आनी होते हैं और बॉडी ने कम्प्लीट होना होता है तो मजीद कलर थोड़ा सा टेन हो जाता है शुरू में ज़रा सारे ही गोरे लगते हैं लेकिन फिर थोड़ा डिफरेंस आना शुरू होता है लेकिन ट्वेंटी और थर्टी तक ट्वेंटी तक बॉडी फिजिकली पूरी कंप्लीट हो चुकी होती है मास वाइज थोड़ा बहुत मसल मैस जिसमें एक्सरसाइज रोल प्ले करती है और उसमें मेल्स और फीमेल में ट्वेंटी और थर्टी के दरमियान उनके मसल्स की स्ट्रेंथ अपनी पीक पर जाती है जवानी या जोर वो उनमें मैक्सिमम आ जाता है उसके साथ उनकी स्किन ने भी स्ट्रेच आउट होना होता है अगर वो मस्कुलर हो रहा है किसी भी वजह से चाहे वो खापी ज़्यादा रहा है एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है उसको शौक है फिटनेस फ्रीक है तो स्किन भी उसकी जो है उसी हिसाब से स्ट्रेच आउट भी करेगी मसल्स जब उसके डेवलप होंगे लेकिन स्किन के अंदर ग्रॉसली कोई ऐसी चेंजेस नहीं आएंगी एज से रिलेटेड बीस और तीस तक आपकी स्किन पर मलाज्माज बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे या नहीं भी होंगे ठीक है कॉलाजमा मुलाजमा छाइयाँ ये वो प्रेगनेंसी से भी कुछ चेंजेस आती हैं शादी के बाद वो एक अलहदा चीज़ है ठीक है या किसी बंदे के अंदर ग्लैंड में कोई अब है गर्ल में या बॉय में उसमें हारमोनल इंबेलेंस हो गया वो भी स्किन पर चेंजेस आ जाती हैं लेकिन आप चूँकि टोटेलिटी में बात कर रहे हैं और नॉर्मल ह्यूमन हुम, बींग की बात कर रहे हैं तो उसकी स्किन के ऊपर उसमें वो इनोसेंस चली जाएगी जो बेबी की थी स्पेशली अगर वो चलाक बन जाएगा और वो ऐलान करेगा कि मैं बहुत समझदार हूँ मेरे तो बहुत इलम है मुझे तो बहुत पता है और वो प्लानिंग्स करेगा और सारा कुछ करेगा तो उसकी जो भी सोच है वो उसकी स्किन पे रिफ्लेक्ट थोड़ी करती है उसके हार्मोनल चेंजेस उस हिसाब से होंगे ना ठीक है लेकिन ग्रॉसली आप कहें कि जी स्किन में क्या चेंजेस आती हैं इस एज और उस एज में कोई चेंजेस नहीं आती वो उसकी स्किन अलबत्त बॉडी का वाद ऑर्गन है जो आपकी एजिंग जब आप एडल्ट हो जाते हैं आपकी फिज़िकल बॉडी कंप्लीट हो जाती है तो आपकी बॉडी और स्किन में बाल भी आते हैं और नाखून भी आते exactly. हैं तो आपकी स्किन वाहिद ऑर्गन है जो साइज़ में बढ़ता रहता है hmm. बाकी सब एक सर्टन साइज पे आके रुक जाएंगे। अगर मेरी हाइट फाइव फीट होगी तो मेरा लिवर उस हिसाब से होगा मेरी स्प्रीन उस हिसाब से होगी मेरी किडनी उस हिसाब से होगी मेरी हाइट सिक्स प्लस है तो बाकी ऑर्गन के हिसाब से एक सेटल लेवल पे आके वो रुकेंगे लेकिन स्किन हमारी हाइट भी बढ़ती रहे सारा कुछ होती लेकिन स्किन, स्किन एक वाहिद ऑर्गन है जो कि हमारे ऊपर एक लिबास है नेचुरल कॉम्प्लेक्शन या नेचुरल जिस भी तरह का आपको अल्लाह ने बना दिया उसके बावजूद हमें इस एज के अंदर स्पेसिफिकली क्योंकि मैंने आपको बताया रिलेशनशिप की भी बहुत टेंशन होती है इस एज में हमें बहुत सारे लोग अच्छे लग रहे होते हैं अट्रैक्ट कर रहे होते हैं फिर हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको भी अच्छे लगें ठीक है तो उस चक्कर में हम लोग बहुत सारे वाइटनिंग इंजेक्शन की तरफ चले जाते हैं सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं कुछ लोग अगर मोटे हैं थोड़ा सा तो वो पतले होने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो मुझे ये बताएं जो ये वाइटनिंग इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं हम डिफरेंट ड्रिप्स यूज़ करते हैं कि हम पतले हो जाएँ या हेल्दी हो जाएँ तो क्या ये सप्लीमेंट्स वगैरह इस एज में यूज कर लेने चाहिए या ये ड्रिप्स ले लेनी चाहिए मदर नेचर का वर्ड यूज होता है माँ जितनी अपने बच्चे की सगी होती है कोई नहीं होता ठीक है और अल्लाह ने भी जब प्यार को क्वांटिफाई किया ना आपकी हर चीज़ की आप क्वांटिफिकेशन करते हैं ये लाइट कम है ज़्यादा है आवाज़ ज़्यादा है कम है ये है वो है प्यार ज़्यादा और कम कैसे मैयर किया जाए ठीक है तो अल्लाह ने उसका पैमाना माँ को रखा है अल्लाह ने जब एक्सप्लेन करना ये हमें समझाना चाहे ने समझा तो ने कहा कि अल्लाह तुम्हें माँ से माँ भी तो स्टैंडर्ड बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है अब वो मदर नेचर जो है वो आपके साथ कभी ज्यादती नहीं करती और बैलेंस रखती है ठीक है ये नेचर चली इसीलिए इसमें बैलेंस है ये कायनात बैलेंस पे कायम है नहीं तो ये काम खराब हो जाता अब उसने अगर मुझे डार्क कम्प्लैक्शन दी है और आपको फेयर कंप्लेक्शन दी है और किसी को बिल्कुल ही वाइट कम्प्लेक्शन दी है इसकी हिमत तो पीछे उसको पता है लेकिन हर कंप्लेक्शन में भी कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो डार्क कंप्लेक्शन में ज़्यादा चांसेस हैं कुछ हैं जो फेयर स्किन में ज़्यादा चांसेस है ठीक है फिर मुखलिफ इलाकों के मुख्त इन्वायरमेंट के भी अपने इम्पेक्ट हैं वहाँ के रहने वालों के लिए वो बीमारियाँ थोड़ी ज्यादा हैं दूसरे जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं वहाँ पे अपने इलाकों में वो मसला ही नहीं होता ठीक है वो तो नेचर ने ये सब डिसाइड किया होता है और जहाँ आप पैदा हो रहे थे आप उसके हिसाब उस से इसलिए खाम का हिजरत करनी नहीं चाहिए इसलिए हिजरत दो तीन वजुहत के अलावा अलाउड नहीं है आपके लिए नेचर ने सारा कुछ बड़ा कम्फर्ट जोन बनाया होता है अब आप कम्फर्ट जोन में ना रहना चाहें तो फिर

ऐसे ठीक है यूरिक एसिड आपने गरीबों में कितनों में हाई देखा है बिल्कुल ठीक है ये ज़्यादा खाते पीते लोगों की बीमारी है मोटापा तो चलें चीज़ है कि कोई कई बार कुछ हार्मोनल इम्बेलेंसेस होते हैं कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज ऐसे होते हैं कुछ लोग ओवर ईटिंग कर जाते हैं कुछ मसले होते हैं लेकिन आ, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको आप चेंज भी कर सकते हैं विल पार फिर आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ वेल पार आपकी आपकी डिटर्मिनेशन उसमें काउंट करेगी और आप अपने आप को एक्सरसाइज और डाइटिंग और ये सारे प्लान्स के साथ डॉक्टर्स के साथ मिल के कल ही एक डॉक्टर साहबा मेरी दो साल बाद आई तो मैंने उन्हें नहीं पहचाना मेरे क्लिनिक पे आती थी दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट हैं तो मैंने नाम से उनका ज़रा यूनिक नाम पहचान लिया लेकिन फिजिकली ट्वेंटी फाइव के जी उन्होंने वेट लूज़ किया हुआ था हाँ। और बिल्कुल डिफरेंट थी तो मैंने कहा कि अल्लाह रहम करे शायद बीमार हो गई है उनके फेस से वो बीमार लग रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं जी उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट किया फिर वो रह नहीं सकी फिर उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने ओजम्पिक यूज़ किया हाँ। अब वो इंजेक्शन भी उन्होंने ठीक ठाक आठ माह यूज़ कर लिया exactly. तो सेवेंटी फाइव से वो फोटी नाइन पर बल्कि आ गई ओवर एट मंथ्स लेकिन चलें साइज ज़ीरो हो गई वो लेकिन हाल कोई नहीं था ठीक hmm. है ये शेप अगर वो सिक्सटीज़ के बाद जाके अचीव करती हैं दादी अम्मा नानी अम्मा बन के तो फेस और सारा कुछ तो वो ठीक था लेकिन शायद उन्हें अपना आप अच्छा लग रहा था वो कि फ़ाइन ठीक है लेकिन अन नेचुरल जहाँ भी आप होंगे ना वो उसकी कॉस्ट होगी तो आपका सवाल था कि इंजेक्शन लगवाने चाहिए या ये, ये करने चाहिए नहीं करने चाहिए अगर सिर्फ मेरी राय मांगती हैं तो मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं करवाऊँगा ये ना मैं अपनी बेटी को रिकमेंड करूँगा ना मैं किसी और रिकमेंड मतलब जितने आगे भी ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, अगर आपका फेस मोटा है, तो आप नीडल्स के थ्रू या वो आपकी फैट बर्न कर देते हैं डॉक्टर है स्पेशलिस्ट है बड़े पैसा लगा के उन्होंने तीस साल के बच्चों को अवेयरनेस नहीं देंगे जो बीस से तीस साल के बच्चे हैं उन्हें अपने अल्लाह से इतना प्यार जिसने उन्हें बनाया उन्हें

बहुत ज़्यादा बाल थे और वो उसकी वैक्सिंग करवा रही थी तो मैंने उनसे पूछ मुझे शुरू से क्वेश्चन करने का बड़ा शौक़ होता था थी तो बहुत छोटी उस टाइम पे मैंने उनसे पूछ लिया कि ये आपकी दाढ़ी आती है छोटी थी पता नहीं था ऐसे पूछने के लिए मैंने डायरेक्ट उनसे पूछ लिया आपकी दाढ़ी आती है तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बेटे ये हारमोनल चेंजेस जब होते हैं ना तो उसके बाद आपकी बॉडी पे इस तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं तो ये कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं कि हम खुद अपनी इस एज के अंदर उन चीज़ों को मतलब हमें पता भी चल जाए कि हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और हम अपनी स्किन की भी केयर कर सकें देखिए बच्चा जब स्टार्ट करता है ना फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से हॉर्मोनल या माँ के नौ महीने ये भी बड़े इम्पोर्टेंट है ठीक है आप ट्वेंटी थर्टी पे हमने रहना है लेकिन मसला ये है कि आपको बेस तो पता नहीं करनी पड़ेगी ना हाँ। आप तीसरे फ्लोर की सेहत के बारे में बात करेंगे डॉक्टर साहब इसी पे बात करनी है अब बुनियाद ही नीचे रेत पे है तो अब मुझे कहना तो पड़ेगा कि ये दीवारों में जो दरारें आई हैं ये नीचे बेस पे मसला है ठीक है ना? तो माँ की सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेशली उन नाइन मंथ्स में और उसमें भी उसकी इंटरनल सेहत उसका थाट प्रोसेस अगर वो शदीद गुस्से और नफरत में है वो शदीद स्ट्रेस में है तो बच्चे की फिजिकल वेल बींग पे उसका बहुत इफेक्ट आता है और बाप अगर हराम और हलाल की तमीज़ नहीं कर रहा और हराम कमा के ला रहा है ठीक है या माँ को टॉर्चर दिया हुआ है या नेगेटिविटी जो उस घर में बहुत ज़्यादा है या वो ख़ातून उसके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है जहाँ वो फ़ाइट कर रही है तो ये सारा इम्पेक्ट उस बेबी पर आएगा हाँ। जब वो बेबी पैदा होगा वो बेचारा तो नहीं पूछेगा हाँ। आपको कि अबा जी ये पानी हलाल का तो है कि हराम का है तो पी जाएगा ठीक है या अम्मा को आपने जो कुछ कहलाया ये हलाल है या हराम है या अम्मा को हलाल करा के आपने अम्मा को इतना जिच किया कि खाया पिया हराम कर दिया उस बेचारी का ठीक है? है और वो उस गुस्से और नफरत में वो उसको उसके बाप से ही नफरत है मजबूरी से रह रही है वहां पे तो उस बच्चे के अंदर वो जो ट्वेंटी फाइव परसेंट यूं समझ लें कि दो मोबाइल कंपनियों ने मिल के एक सिम बनाई है उस सिम में दोनों के सिग्नल्स आ रहे हैं ना जिस जिसके फ़ोन में यू फोन है उसकी सिम यू फोन आ रही होगी जिसमें वारद है वारद आ रही है टेलीफिन टेलीनोर है तो ये वारद और यू फोन ने मिलकर एक सिम बनाई है अब माँ के सेवेंटी फाइव परसेंट राइट हैं क्योंकि खून उसी का ज़्यादा यूज़ हुआ है नौ महीने उसने अपना खून भी दिया है उसकी बॉडी पे ही झीला है उसने उसने नोजिया वॉमिटिंग सारा कुछ बेचारी ने बर्दाश्त किया प्लस उसके बाद दूध भी अपनी हड्डियों से पिला रही है सेवेंटी फाइव परसेंट उसके रा लेकिन वो अब्बा जी ने जो दूध में दही की जाग लगाई है वो पच्चीस परसेंट तो नहीं निकल सकता उस पच्चीस से अगर माँ नफरत कर रही है उसको उस बच्चे के दादे से या दादी से या पुप्पी से या अबे से शदीद नफरत है किसी बात पे गुस्सा है या उन्होंने उसको टॉर्चर किया है या म किया है तो वो जो नेगेटिव सिग्नल्स वहाँ जा रहे हैं थॉट के वो यहाँ भी आ रहे हैं बच्चे पे तो बच्चा बीमार पैदा हो गया उसके नेंटल डिफेक्ट्स आ रहे होंगे पेदाइशी उसके डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो बच्चा बीमार नहीं होता माँ बाप बीमार होते हैं अब अगर उस बच्चे को आपने हराम के पैसे पर पाला है या नगेटिव माहौल में पाला है या बच्चा स्ट्रेस में रहा है उसके हार्मोनल चेंजेस वो नहीं होंगे या उसको कोई सेक्सुअली या की तरफ ले जाता रहा बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं थी दस और बीस के दरमियान आके उसको पता चलना शुरू हुआ कि ये गलत था और ये सही था जो उसे पता ही नहीं था बीस के बाद तो अब उसने इफेक्ट तो उसके ऊपर आ रहा है बीस अट्ठारह बीस से अब उसके पास कुछ कंट्रोल आ गया अगर उसको पता चल गया है कि उसका बाप बदनाम ज़माना इंसान है या उसके बाप की ये हरकतें ठीक नहीं हैं या उसकी हरकतों को बाहर तो लोग बॉदर नहीं करते या उसने छुपाई भी है लेकिन उसकी माँ को पता है और माँ उस टार्चर में है या घर का माहौल अफेक्टेड है तो वो चैलेंज कर सकता है बाप को हुँ. अब वो स्टेज पर आ गया है कि वो बाप को या माँ को या उस माहौल को चैलेंज कर सकता है अगर वो चैलेंज नहीं कर सकता तो वो रिजेक्ट कर सकता है वो कह सकता है कि मैंने यहाँ से कुछ नहीं लेना मैं बाहर जा रहा हूँ गंजापन आना स्टार्ट हो जाता है तो ये भी इसी एज ग्रुप में होना स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक तो गंजापन है या बाल ज़्यादा गिरना ठीक है और इसमें भी डिफरेंट फॉर्म बाल चर भी जैसे उर्दू में आप जबान में कहते हैं हम उसे एलोपिशिया मेडिसिन में, में भी कहते हैं और भी पैचज में भी बाल उड़ जाते हैं लेकिन जहाँ तक गंजापन है ये ये देखा गया कि ये हेरिटेट डिजीज है ये जेनेटिक्स में आ रही होती है ठीक है मतलब मेरे दध्याल में बिल्कुल नहीं है लेकिन मेरे ननिहाल में है और हम सारे भाइयों को फोर्टी से और फिफ्टी फिफ्टी से आगे बिल्कुल नाना जी की तरह हमारी जो है ना चुंदिया बननी शुरू हो गई ठीक है मेरे दध्याल में जो कज़न्स थे उनकी हालांकि कज़न मैरिज जिनके पीछे उनके पेरेंट्स की अपनी ददियाल की साइड पे शादियाँ हुई वहाँ नहीं है गंजापन जिनके ननिहाल में थी उधर से आ गया ठीक है मेरे भी एक मेरे कॉल दिए ये इनहेरिटेंस में आता है एक तो ठीक है और वो यूजुअली जरा लेट 40 के बाद शुरू होता है यानी वो इस एज ग्रुप में नहीं वो इनहेरिटेंस में है जो 20 और 30 में चंद डिजीजेज ऐसी हो जाती हैं उसमें भी ऑटोम्यून डिजीजेज है वो उसमें बाल गिरना शुरू इवन ट्वेंटी से पहले भी गिरना शुरू मेरे पास बच्चियां आ रही हैं ऐसी वो पी आर पी भी करवा रहे हैं मुखल चीजें exactly. करवा रहे हैं कि उनके बाल बहुत कम रह गए हैं गिर रहे हैं हो रहे हैं इंटरनल यानी इसमें भी जितना आपका ठीक है तो वो बे, और वो फिर उनके उनकी जो भी स्ट्रेस है और जो उनका थॉट प्रोसेस है उससे जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं और उनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी हैं और जो उनकी न्यूट्रिशन है आप ये भी नोट कर लो जिस साल में आप किसी भी स्ट्रेस में खुदा नखास्ता ज़्यादा थे उस साल में ना आपने बॉडी वेट ज़्यादा गेन किया बल्कि शायद लूज ही कर दिया ना खाना खाने का मजा था ना खाने को टाइम होता था ना खा के भी मज़ा आता था और जिस साल में आपने कुछ अचीव किया हुआ था और आप कंफर्टेबल थे और आप अचीव कर रहे थे तो आप खाने के मजे भी आ रहे थे और आपका सेहत भी बेहतर थी और आपकी ओवरऑल जो है फीलिंग भी बेहतर थी है। ठीक है तो वो आपका इम्पेक्ट आता है आपके उसके सोच पर इस एज ग्रुप में लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं अक्सर ठीक है तो क्या उन्हें मतलब इसी एज में करवा लेना चाहिए मतलब अगर एक पैच आ गया या हल्के से उन्हें फील होना स्टार्ट हो गया कि यहाँ से अब उनमें गंजापन आ रहा है तो उन्होंने फ़ौरन से जी हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिए तो क्या ये इस एज के लिए ठीक है बिल्कुल कम्फर्टेबल ये उनको स्किन के डॉक्टर के पास पहले जाके पता करना चाहिए कि ये डिजीज़ से तो नहीं बवाल उड़े और वो ये दोबारा आ तो नहीं सकते कोई स्कैल्प की ऐसी कंडीशन है स्किन की ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पर शायद दोबारा आ भी जाएँ थोड़े से इलाज के साथ या कुछ या डॉक्टर उन्हें कह दे कि जी ये नहीं आने या आपके यहाँ से फॉलिकल्स ही खत्म हो गए या अब आने ही नहीं है ये परमानेंट है ये बढ़ेगा ये कम नहीं होगा अब उसकी जेब में अगर पैसे हैं तो वो और वो, वो ट्रांसप्लांट कराना चाहता है ठीक है या वेग लोग लगाते थे या कुछ भी है तो वो कर सकते हैं मैं यूनिवर्सिटी में जाती थी ट्वेंटी थ्री ईयर्स ओल्ड थी तो वहाँ पे चूँकि चलना बहुत पड़ता था बहुत ज़्यादा हमें भागम दौड़ करनी पड़ती थी पता ही नहीं चलता था सुबह से शाम कब हो गई इतना चल लेते थे तो इसी तरह जब मैं घर वापस आई एक दिन तो uh, आके मैंने अपनी सॉक्स जब उतारी तो मैंने देखा कि मेरी टांगों के ऊपर रेड कलर के इतने बड़े बड़े रैश बन गए थे जो कि मेरे एंकल से स्टार्ट होके मेरे नीज़ तक आए हुए थे ठीक है और वो इस तरह लग रहा था जैसे मेरी स्किन जल गई है बर्न हो गई है दोनों टांगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रेड रैश थे मैं बड़ी परेशान हो गई मैंने कहा चलो स्किन के डॉक्टर के पास चलते हैं जी ये तो कोई एलर्जी हो गई है मुझे जब स्किन के डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा ये तो स्किन का इशू ही नहीं है तो मैंने कहा फिर मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं कहते आप किसी भी फिजिकल जो है प्रैक्टिशनर उनके पास चले जाएँ मैंने कहा ओके उनके पास गई हूँ तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो पूरी बॉडी कि नस्बत ना आपकी टांगे थोड़ी सी वीक हैं जिसकी वजह से आपकी जो कैपलरीज़ हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं जब आप थोड़ा ज़्यादा चलती हैं या किसी किस्म का कोई स्ट्रेस लेती हैं तो उसके बाद से लाइक तेईस साल से लेके अब तक मेरी लाइफ में जब भी मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन में जाती हूँ या थक जाती हूँ तो सेम प्रोसीजर अभी भी मेरे साथ होता है कि मेरी टाँगें इतनी ज़्यादा जल जाती हैं और वो घुटनों से भी ऊपर आ रही होती है अगर मैं उसे फ़ौरी तौर पे कंट्रोल ना करूं तो इसकी रीज़न क्या होती है परप्रिक रैश मोस्ट लाइकली होगा मैंने देखा तो नहीं जो आप कह रही हैं अगर उन्होंने डॉक्टर साहब ने आपको ये कहा कि ये शायद कैपिलरीज जो, जो स्मॉल वेसल्स हैं वो शायद बस्ट आउट कर जाते हैं यूजली टांगे ज़्यादा देर लटकाने से और ज़्यादा देर खड़ा रहने से या ज़्यादा देर चलने से अगर आप कहते हैं डिपेंडेंट पोर्शन में लगती है टाँगों पर थोड़ी स्वेलिंग भी हो जाती है और कुछ लोगों को जब ये बहुत ज़्यादा देर रहती है तो उसे हम वेरिकोन कहते हैं जो साइड की हैं वो स्वेल कर जाती हैं अच्छा और उसकी वजह से खुतिन में पर्टिकुलरली अगर वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उसके यूट्रस नौ महीने चूँकि उसका प्रेशर रहता है पे तो वीनस रिटर्न कम होता है तो वो ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ रेडिश रैश रैश था जो कि बाद में डिसपियर भी हो गया उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं लेकिन परपरा अगर वो था तो प्लेटलेट्स कुछ लोगों के कम होते हैं उसके है। प्लेटलेट्स की तादाद ठीक होती है लेकिन उनका फंक्शन ठीक नहीं होता या कोई ऐसी हार्मोनल चेंजेस खुवात में कई बार इमोशंस के साथ हारमोन्स का बहुत ताल्लुक है तो फीमेल हारमोन्स जो हैं उनमें भी थोड़ी सी भी अगर अप्स एंड डाउन आती हैं ठीक है किसी वजह से वो हारमोन्स ले रही हैं डॉक्टर ने उन्हें दे दिए है जी आपको पी सी ओस का ख़तरा है या आपको आ, कोई भी मैस्ट्रल इरेगुलरिटीज़ हैं कुछ भी हैं उसमें भी ब्लीडिंग टेंडेंसी जरा ज़्यादा हो जाती है और टाँगें चूँकि ज़्यादा डिपेंडेंट पोस्ट में नहीं आप कहती हैं कि बहुत ज़्यादा हम चलते थे बहुत ज़्यादा या देर खड़े रहते थे या चलते थे उसकी वजह से थोड़ी उस साइड पर अगर स्किन के नीचे ब्लीडिंग हुई तो देट कुड बी ए कॉज उसमें वो मेडिसन्स को एडजस्ट करना होता है थोड़ा सा आप उन दिनों में वाइटमिन ई वगैरह डॉक्टर साहब को रिकमेंड कर देते हैं और आपको ये समझा देते हैं कि आप फिर स्टॉकिंग्स पहने दूसरा उस साइड की ताकि वेंस को सपोर्ट रहे एक्सटर्नल और आप लॉन्ग स्टैंडिंग ना करें ज़्यादा देर लटका के ना बैठे और रात को जब आप लेटें तो आपकी लेग्स थोड़ी सी जो हैं उनके नीचे आप कोई कंबल तीन चार तह करके रख लें तो अच्छा। लेग थोड़ी सी एंगल पे होंगी तो वो जो डिपेंडेंट ओ डीमा हुआ था वो ठीक हो जाएगा सुबह उठेंगे तो वो बीस हो, हो? साल की उम्र में औरतों की शादियां अगर कर देंगे तो क्या वो मेंटल लेवल पे उतनी हो चुकी है? क्या शादी से उसके मेंटल की जब वो एक बच्चे की केयर से गुजरती है जब वो एक ससुराल से डीलिंग उसकी उसकी तो प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग शुरू हो गई है इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ बात करते हैं तो शायद आप मेरा पॉइंट भी समझ सकें मेरी रिलेटिव में एक बंदी इस तरह की है जिसके घर में सिर्फ बात ही इस तरह होती थी कि भाई आप बड़ी होगी तो बड़ी होके शादी हो जाएगी अच्छा ये उसके घर में मतलब तो उसका घर का इन्वायरमेंट इस तरह का था कि पढ़ लो जितना पढ़ना उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी शादी करनी है। शादी है। है। हो गई आफ्टर थ्री और फोर मंथ्स या फाइव मंथ्स प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी के बाद तो जी जिस लेवल का डिप्रेशन स्टार्ट हुआ वो हर छः मंथ के बाद डिप्रेशन स्टार्ट होता है और वो इस चीज़ पे होता है कि मैंने क्या लाइफ गुजारी हूँ मैं घर में बंद हो गई अब मैं मेरी लाइफ सिर्फ यही है कि सुबह मैं उठूँ खाने बनाऊँ बच्चे पैदा करूँ बच्चों को देखूँ और उसके बाद मेरी अपनी लाइफ क्या है मैं मैं कैसे ज़िंदा रह रही हूँ और उसका ये डिप्रेशन कोई दस दफ़ा अच्छे डॉक्टर साइकेट्रिस्ट डील कर चुके हैं लेकिन अभी तक भी वो डिप्रेशन कम नहीं हो रहा कभी उसको लगता है मुझे अपने खामत की साइड से इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही खामत इम्पॉर्टेंस लेना स्टार्ट करता है तो उसको लगता है मैं घर में खुश नहीं हूँ घर से खुश होती है तो उसका कोई और पॉइंट स्टार्ट हो जाता है क्यों क्योंकि वो शायद यहाँ से बहुत इमेचोरिटी थी अब आगे, आगे आप बता कसूर नहीं है। आप बता दें अल्लाह ने ये मशीन कंप्लीट कर दी थी पंद्रह सोलह सत्रह साल तक ये बन गई थी अब वो दो पाथ में से एक पाथ पे है वो ना शुक्री पे है वो हर कंडीशन में ना शुक्री पे है उसको बच्चे भी मिल गए उसकी शादी भी हो गई छोटी एज में शादी छोटी एज में बच्चे शादी माशा ये समझ रही है कि ये छोटी एज पे शादी की वजह शायद मेरे साथ ऐसे हो गया है उसके मुकाबले में एक और लड़की है जिसकी छब्बीस साल की उम्र में शादी हुई है ठीक है उसके बेबी ही नहीं हो रहे तीस साल की एज तक उसकी भी तीस पे पहुंच गई उसके बेबी भी हैं उसके बेबी नहीं हो रहे वो इस डिप्रेशन में है कि मेरा बेबी नहीं हो रहा ठीक है ये इस डिप्रेशन में है कि जी मैं घर में बंद हो गई वो मल्टा नेशनल में काम कर रही है लेकिन डिप्रेस है कि मेरा बेबी नहीं है ठीक है ये डिप्रेस है कि बेबी तो है हर चीज़ है लेकिन मैं फ्री जो फिरना था मेरी डोमिनेंस नहीं है अच्छा इसको जॉब पे ले जाए जॉब पे जाके इसको फिर डिप्रेशन हो जाएगा इसको ये डिप्रेशन होगा कि मुझे सी की जॉब नहीं दी है मुझे तो बहुत निचली जॉब दी है ये सी की जॉब पर चली जाएगी तो ये फिर डिप्रेशन में होगी कि नहीं लेकिन मैं ऑनर तो नहीं हूँ ठीक <laughs> है ये नाशुकरी अप्रोच है उसकी उसकी अप्रोच है तो इसमें अर्ली को शादी को और लेट शादी नहीं है अल्लाह उसको वापस अपने ओरिजन पर जाना पड़ेगा उसको सबसे पहले अल्लाह से दोस्ती करनी पड़ेगी यार अल्लाह ने गलत नहीं किया होगा कोई मेरी गलती है लेकिन अगर वो जाना ही ना चाहे उसके पास चॉइस है ना जाए आपका फोन है आप उसमें ना यूज करें ऐप कैलकुलेटर इसमें से ना यूज करें वैसे बैठे करते रहें कि 370 और 780 लेकिन आप अल्लाह को लिफ्ट कराने पर नहीं तैयार तो अल्लाह से ज्यादा किसके नखरे हैं वो कह रहा है मैं सबसे हसीन हूँ <laughs> नहीं तो ना सही तेनू चा नहीं सानू परवाह नहीं ठीक है, है।, <laughs> है? वो तो वैसे ही बेनिहाज है ठीक है तो वही उस अल्लाह से अगर जुड़ जाए उसको पता चले कि मेरा अल्लाह तो मुझे अभी भी इतना प्यार करता है ठीक है तो सबसे पहले तो वो डिप्रेशन ख़त्म होगा आता है मुझे पोस्ट पार्टम साइकोसिस जो है ना मोस्ट लाइकली उसे प्रेगनेंसी के बाद हुआ है ये अर्ली प्रेगनेंसी का उसमें रोल नहीं है अर्ली शादी का रोल नहीं है ये किसी भी प्रेगनेंसी में कुछ खुवातन को डिलीवरी के बाद शदीद डिप्रेशन हो जाता है उसको पोस्ट पार्टम साइकोसिज बोलते हैं उसमें इस हद तक भी हो जाता है कि वो अपने बच्चे को मार देती हैं वो हाँ, बच्चे गला ही कॉट में दबा ब्लू oh बेबीज जो हैं और वो ये वही की बीमारियां थी ठीक है हुँ. अब इधर भी आ गई है ठीक हो क्या रहा है ना और आपके अंदर इंटरनल हारमोन्स ठीक है मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें थर्टी के बाद भी कभी भी मतलब हो सकता ये है ठीक है हो जाए, ये, 30 भी, हो जाए. ये कभी भी हो जाएगा अगर काकी को कोई हार्मोनल एम्बेलेंसेज नहीं है वो उसकी नॉर्मल ग्रोथ हुई है और वो 16, 17, 18 ईयर्स पे रेगुलर हारमोनज हैं सारा कुछ ठीक है उसकी जल्दी प्रेगनेंसीज होंगी ये गायनी की सारी डॉक्टर्स आपको बता देंगे एटीन के बाद उसकी जितनी जल्दी प्रेगनेंसीज़ हो जितनी जल्दी फैमिली कम्प्लीट करके उतनी जल्दी वो स्लिम स्मार्ट भी रहेगी उसने फीड भी खोद कराए सारा कुछ होगा कुछ भी नहीं होगा ठीक है जितनी लेट जाएगी कॉम्प्लिकेशनस भी होंगी प्रेगनेंसीज में ठीक है ये मेडिकल बातें हैं ठीक अगर उसकी लेट शादी हो रही है लेट प्रेगनेंसी से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं ठीक है डिलीवरी के अंदर भी गायनी वाली खातून के लिए मसले बने होते हैं लेकिन जितनी जल्दी नेचर ने उसको तैयार कर दिया ठीक है, है और उसके ऊपर फल लगने ही लगना है उसके फल की उसको मालिक ने अगर देना है ठीक है तो उसके बाद उसने जितनी जल्दी वो ड्यूटी कर ली वो अच्छी बात है हमारा मेडिकल में उसके इलाज नहीं है अच्छा। मैंने उन सारी खातियों से कभी मैं कहता हूँ बलोचिस्तान से ले कर अमेरिका से भी फ़ोन आते हैं तो मैं उन बच्चियों को प्यार से ये कहता हूँ कि बेटा अपने आप से प्यार करो अपने आप को पहचानो ये अजीब फिक्र है आप अब है कह रहे हैं मैं अपने को पहचानती हूँ मुझे पता है मैं कौन हूँ या मैं अपने आप से प्यार करती हूँ तो मैं कहती तो नहीं आप नहीं करती हैं चलें अपने नाम से स्टार्ट कर लें कहती क्या मतलब है मैं आपका नाम आपका किसने नाम रखा था अम्मी ने रखा था पुप्पू ने रखा था खाला ने रखा था ज़्यादातर कहती हैं कि मुझे नाम पसंद है कुछ कहते हैं मुझे नाम भी नहीं पसंद है अब हाँ, फड्डा ये पड़ा हुआ है नाम भी नहीं पसंद है तो यार बदल ले ठीक है? है अच्छा मैं उसे कहता हूँ कि नहीं ये नाम से यार प्यार कर लो वो कैसे करना है तो ये एक रेमेडी है उनकी यूँ समझ लें साइकोलॉजी वाले कहेंगे कि डॉक्टर साहब जो है ना ये सीबीटी करा रहे हैं उसे ठीक है लेकिन बिहेवियरल थेरेपी उसको करा रहे हैं मैं फ़ोन पे ही नहीं मैं उनमें से बहुत से नहीं मिला आज तक लेकिन पोस्ट पार्टम साइकोसिस ट्रीट हो गया जिसका दुनिया में इलाज नहीं है मैं उन्हें कहता हूँ बेटा आपका नाम जो है ना असल में अबू ने नहीं रखा हुआ नहीं नहीं ये मेरा नाम तो ये खुशबू नाम मेरी अबू ने रखा हुआ है मैं मेरे बेटा उन्हें क्या बता था अपने बड़े होके बू छोड़नी है कुछ छोड़नी है तो वो कैसे आपका नाम रख सकते हैं कि आपका महक नाम रखने तो फिर किसने रखा था <laughs> मैं तो बेटा ये आपके पैदा होने से भी चार हजार साल पहले ना जो आपसे बहुत प्यार करता है ना जिसने आपसे खुशबू फिलानी थी उसने आपका नाम रखा था अल्लाह ने मैंने बिल्कुल उसने लिखा था फलां घर में फलां दिन फलां टाइम पे खुशबू पैदा होगी उनका बेटा टाइम आते साथ ही वो फरिश्तों की दौड़ें लगवा देता है कि खुशबू को ले जाओ खुशबू के सांस ले जाओ खुशबू का रिस्क ले जाओ खुशबू को यहाँ से फिर वो सारा दिन यही कोता रहता है फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगती रहती है उसको बचाओ उसको बुलाओ उसके आइडिया डालो उसको ये करो उसको वो करो तो आपका कर अल्लाह तो आपको इतना प्यार करता है लेकिन आप अपना नाम भी प्यार से नहीं लेते डॉक्टर साहब अपना नाम कौन लेता है ये तो दूसरे लेते हैं मैं कहा आप आंखें बंद करें अपने दिल में अपना नाम प्यार से पढ़ें थोड़ी देर कर देखिए डॉक्टर साहब मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है मैं कहते आपने चलते फिरते सिर्फ एक हफ़्ता सिर्फ एक हफ्ता आपने दिल दिल में जब भी आप फारे गए आपने अपना नाम दोहराते रहना तो इससे क्या होगा मैं बेटा आठवें दिन देखेंगे माशाल्लाह लेकिन पहले चार पाँच दिन आपको बड़ा वियड लगेगा मुश्किल लगेगा कोई बात नहीं हाँ किसी और को ना बताना लोग ऐसी मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे आप उसको छोड़ दो और सोते वक्त तो जरूर लेना आपने आपने कोई और रिसाइटेशन नहीं करनी आपने सिर्फ अपना नाम रिसाइट करना जुबान भी नहीं हिलानी होठ भी नहीं हिलाने आपने अपने दिली दिल में प्यार से अपना नाम लेते रहना लेकिन लेना प्यार से है की ठीक है क्योंकि मेरा ये कहना है कि बत्तीस सालों में मैंने देखा है कि नफरत हर बीमारी का रूट कॉज है और नफ़रत का इलाज बेगरज प्यार है तो आपसे कोई नहीं प्यार करता तो आप खुद तो कर लें अपने आप से प्यार तो, तो आप अपने नाम से ही शुरू कर लें तो आप अपना नाम प्यार से लेना शुरू करें हफ्ते के बाद जो बंदा मेरे से फोन पर बात कर रहा होता है वो डिफरेंट होता हमने लेडीज की तो बात कर ली तो जो बॉयज़ भी माशाल्लाह पच्चीस छब्बीस की उम्र में उनकी भी शादियां हो जाती हैं तो उनमें भी कोई हार्मोनल चेंजेस या आफ्टर मैरिज कोई इस तरह के मेजर चेंजेस आते हैं हार्मोनल चेंजेस तो जो उसमें आनी थी आनी थी हाँ उसको एक काकी मिल गई है तो हमारे लोगों में तो ज़्यादातर लोगों का या बच्चों का ख्याल ही ये होता है और जितनी लेट शादी हो रही होती है ऊपर से अगर उसने वाकई सेची मुची रोज़ा रखा होता है तो वो तो समझता कि सारा शादी शायद सिर्फ़ एक सेक्स मशीन मिल गई है उसको हालाँकि बेवकूफ़ी होती है या उसे नहीं समझ होती इसमें भी नेचर ने बिल्कुल आपकी हर चीज़ डिसाइड की होती है तो आता आता बैलेंस हो जाते हैं लेकिन पच्चीस छब्बीस या लड़के जिसकी शादी लेट होती है जिसको तरसा के चीज मिली होती है ना उनकी कदर बड़ी होती है ठीक है लेकिन काको की फिजिकल फिजीक और वो सारा कुछ कंप्लीट उनका भी ट्वेंटी थर्टी में फाइनल वेगर आ गई होती है तो कई उनमें मैं आपको भी बता दूं कि मेरे तजर्बे में ये आया कि जिन लोगों ने ये बड़ा क्रूशल लाइफ का टाइम है ये बीस और तीस के दर जिन्होंने ये जवानी आने के बाद तीस पैंतीस चालीस तक जिन्होंने एरोगेंस में लाइफ गुजारी है मैंने उनको चालीस तक मुंह की खाते और फेलियर के तौर पे देखा और तकलीफ़ों में देखा जो अपने हाथ से उन्होंने बोया है वो उन्हें काटते देखा है जिनको मैंने इंतहाई हम्बल देखा है चाहे वो हाई अचीवर्स है उन्होंने डिग्रियां भी अच्छी ले ली हैं उन्होंने अच्छा करेक्टर अच्छा था लेकिन उसके बावजूद वो बहुत हम्बल थे अपने एल्डर्स के साथ अपने टीचर्स के साथ अपने सीनियर्स के साथ जनरल माशरे के साथ अपनी बीवी के साथ अपने पेरेंट्स और इनलास के साथ मैंने इन लोगों को 40 से भी पहले दुनिया में ही जन्नत के मज़े लेते देखा तो मर्दों के लिए मर्द के पास ताकत है ना लेकिन ताकत होना बड़ी बात नहीं है ये तो उसका कमाल नहीं है ये तो अल्लाह ने बनाया उसको ठीक है तो उस ताकत को कंट्रोल करना और जुडिशली उसको यूज़ करना ये है असल कमाल तो वो अगर उस ताकत के होते हुए वो कमा के ला रहा है वो बेसिकली मेरा रिस्क जो है वो मेरा नहीं है वो मेरी बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाइयों के लिए है मैं सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ लेकिन एक बंदा मैं ला के अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ या अपनी बीवी बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ और उन्हें कह रहा हूँ बड़े प्यार से और ख़ामोशी से और उसमें बिल्कुल नहीं शो कर रहा कि मैं उनके सर पे कोई एहसान कर रहा हूँ बल्कि उसे अपनी ड्यूटी समझ रहा हूँ उसे एक ऑनर समझ रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया उसकी जगह एक भाई जो है वो ला के जताई भी जा रहा है सबको मैं ही करूं मैं लेकर आता रहा हूँ ख्याल नहीं करते या उन्हें कह रहा खाओ याशी करो तुम भी ये गाड़ी में बैठ के देखो ये कैसी होती है ये वो लोग उससे वो ले तो लेंगे मजबूर जो होंगे लेकिन उनकी दुआ उसके लिए पता क्या निकल रही होगी अल्लाह हमें भी ये मौका दे यानी तू भी अब उस सीट पे आए तेरा भी हाथ ये हो तो फिर हम भी यूं करें और अब हमें से रेसिप्रोकेट करें कोई इंसान अपने आप को दूसरे से कम नहीं देख सकता ऐसा दे ठीक है तो ये दुआ की जगह भदुआ ले रहा है बिल्कुल सही ठीक है और सोनर और लेटर इसका हाथ ऐसे होना ही होना है गुरूर का सर नीचा होना ही होना है ठीक है एरोगेंस जो है ना वो आखिरकार उसमें कहीं ना कहीं नीचा हर पहाड़ से ऊपर कोई पहाड़ निकल आना है ऊँट ने किसी ना किसी पहाड़ के नीचे आने ही आना है सब इंसान एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है तो आपको जल्द ही उनका भी कोई ना कोई एहसान लेना पड़ेगा फिर आप शर्मिंदा होंगे ठीक है तो जिन लोगों ने जिन मर्दों ने आजजी के साथ ताकत होते हुए ब्यूटी होते हुए सेल्फ सफिशेंट होते हुए बाँट के खाया और प्यार से खाया दोस्तियाँ निभाई हैं प्यार निभाया है वो ज़्यादा कामयाब है ड्यू टू सम रीजंस कोई करियर की वजह से कोई फैमिलीज़ की वजह से ओबियसली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं और शादियों की तरफ जल्दी नहीं जाती कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा हमारे मीडिया क्योंकि बहुत वास्ट हो गया तो सेल्फ़ प्लेयर की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस तरह की करें तो उसकी वजह से भी क्या हमारी ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं क्या हमारी शादी के बाद वाला टाइम भी डिस्टर्ब हो सकता आपको है उसको नहीं कभी बहुत काम खाई है। जरूर है लेकिन पसंद आपको नहीं आपको पसंद है। नहीं ज्यादातर लोगों को इमली पसंद होती है या खटी चीज अच्छी लगती है खटी चीज लेकिन इमली का ख्याल आते साथ ही मुँह में खट्टा पानी आता है या मुँह में है पानी, पानी भर आना तो इसी तरह अगर एक बच्चे को पांच साल के बच्चे को आजकल फोन पकड़ लेते हैं वो ठीक है चार साल के बच्चे को उसके सामने आप वीडियो चला दें पॉन मूवी उसे तो कुछ नहीं पता चलेगा उसे समझ नहीं आएगी लेकिन सात आठ साल वाला जो है वो अगर देख लेगा तो वही एक्सपेरिमेंट बहन से या भाई से करने की कोशिश करेगा पता उसे नहीं है ये क्या है नौ दस साल के लिए तो पता चलना शुरू हो जाएगा ठीक है अभी मैं बात कर रहा था कि प्यूबर्टी के बाद अठारह बीस तक शादी कर देने की जब आप नहीं करेंगे तो वो सेल्फ प्लेयर में जाएंगे और नेट की वजह से अब ये पॉन मूवी तो उनके सामने आनी आनी है आनी बार है। बार आनी है ना भी आए तो सजेस्टिव नॉवेल्स, सजेस्टिव फिल्में जो एक्स रेटेड ना भी हो ट्रिपल एक्स वो सिंगल एक्स ही हो उसमें इशारे भी वैसे अगर अब वो रोजा ये तोड़ रहे हैं तो उनकी इस चीज का इफेक्ट उनकी शादी के बाद क्या हो सकता है शादी के बाद ये हो सकता है अगर एक बंदा बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल प्रवर्शन में पड़ गया ठीक है ना जैसे वो एक बंदा है वो उसको रोज नई लड़की की आदत पड़ गई है तो वो अपनी बीवी के साथ तो वो दूसरे दिन तो उसका उसके साथ लेटने को दिल नहीं करेगा गलत साइड पे जाएगा और मर्दों में तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ है लेकिन तोबा की गुंजाइश आपके पास होती है आखिर तक आप कभी भी रिवर्सल कर सकते हैं और सेहत हासिल कर सकते हैं सेहत आएगी प्योरिटी के साथ लग के अल्टीमेट प्योरिटी सिर्फ अल्लाह तो आप वापस जहाँ कनेक्ट करेंगे में को भी बन सकती। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल डिवेलप होंगी ना आप किसी भी चीज़ को बैलेंस से ऊपर ले जाएंगे इमबैलेंस में जाएंगे तो उसके इम्पेक्ट आएंगे आपके आप एक बात एक बंदा दिमाग में सोची हर वक्त उठी बातें जा रहा है तो उसके वो हारमोन स्पीक पे जाएंगे लेकिन जो उसके ग्लैंड हैं जिन्होंने वो हारमोन प्रोड्यूस करने हैं वो एक खास हद तक प्रोड्यूस करेंगे ना चालीस पे जाके वो खत्म हो जाएगी मशीनरी या पचास पे जाके खत्म हो जाएगी आपने खाम ओवर यूज कर लिया उसको ठीक है उसकी बजाय एक खातून या एक मर्द है उसकी बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच थी और उसने इस चीज को अपनी लाइफ में एक पार्ट था उसका ठीक है उसने काम के वक्त काम किया इश्क के वक्त इश्क किया ठीक है और प्यार के वक्त प्यार किया और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ किया जहाँ दिल कर रहा था उसने इसको एक मशीनी अंदाज नहीं बनाया हुआ था ठीक है तो वो साठ साल की उम्र में भी सेक्सुअल हेल्थ भी उसकी बेहतर होगी सर लड़कियों की बॉडी में ना फ्रॉइड बनना स्टार्ट हो जाते हैं इसकी क्या रीज़न होती है क्या ये भी फेब्राइड आपके यूट्रस में जो बनना शुरू हो जाते हैं या कुछ चीज़ें मेरी एक बात याद रखना नफरत हर बीमारी की जड़ है नेगेटिव था उसके बाद हार्मोनल इम्बेलेंस हार्मोनल एम्बेलेंस जब आएगा यूट्रस का कोई काम है यूट्रस का तो काम था वो तो वो वाली ग्राउंड थी वो वाली खेती थी जिसमें बीज बोना था और उसमें फल लगना था ठीक है उसमें अब ये मोटे मोटे फाइब्रस टिश्यू बन गए हैं जो कि उसके नेचुरल टिश्यू से डिफरेंट है और किसी काम के नहीं है और ज्यादा बड़े बन जाएंगे तो वहां पे वो पौधा लगाने की जगह नहीं बचेगी ठीक है सर्जरियां करके निकालने पड़ जाएंगे या कई बार ऐसा है खुदा न खास्ता उसमें कैंसर चेंज जा आ जाएगी ठीक oh है ना तो उसमें मल्टीपल फैक्टर जरूर है अननेचुरल होने के ठीक है सेक्स का भी अल्लाह ने एक तरीका बता दिया ठीक है लोग अननेचुरल पाथवेज पे जा रहे हैं ठीक और उसके हक में दलीलें भी बड़ी बड़ी ला रहे हैं इच इज ऑल रॉन्ग आपके जो मुंह का फ्लोरा है जो आपके यहाँ नॉर्मल जरासीम है अल्लाह ने रखे हुए हैं हमारे काम के हैं हमारे फायदे के हैं इस मुंह में जो जरासीम है जो नाक के जरासीम है उनका कोई और काम है जो कान के जरासीम और है इसी तरह जो जेनिटल एरिया के जरासीम है उनका कोई और काम है आप इन्हें अगर आपस में मिक्स करेंगे ना तो कुछ भी प्रोडक्ट निकल आएगी तो नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं और हार्मोनल चेंजेस भी उससे आ रही होंगी आपको दो मिनट का सेल्फ प्लेयर या एक्स्ट्रा प्लेयर जो है उसकी कॉस्ट बाद में बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है एट द सेम टाइम जो आपकी नेगेटिव थाट्स हैं वो आपको भी इफ़ेक्ट करती हैं दूसरे को तो करती ही करती हैं हसद जो है मेरे दिल में है ना मैंने एक्सप्रेस नहीं किया तो आपको उससे क्या नुकसान हो रहा है लेकिन कोई आपका नुकसान तो हो रहा है जो अल्लाह सख्ती से मना कर रहा है तो इन फेब्राइड्स का नुकसान क्या होता है फाइब्राइडस का नुकसान यही है कि वो खातून का अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर जाएगा एक तो उसका प्रेशर उसकी बॉडी पेन प्लस हार्मोनल इम्बेलेंसेज उसके साथ क्रिएट हो रहे हैं रेगुलर हो गए प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही उसकी वजह से कई बार रिस्की हो जाता है ठीक है तो ये खुद से, से पता चल तो, सकता है लाइक अगर अब मैंने मैं चेकअप नहीं करवाती एक साल में कोई एक दो तीन दफा नहीं करवा पाती तो अगर मेरी बॉडी में कुछ इस तरह का बन रहा होगा तो क्या मुझे खुद से पता चल जाएगा कि यार नहीं कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास आज कल पेशेंट गूगल से आ रहे हैं ठीक है डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ आपको कैसे पता चला मैंने गूगल पे पढ़ा ठीक है <laughs> तो फाइब्राइड भी आपको साल में तीन बार किसी से चेक कराने की ज़रूरत नहीं है अपनी थॉट पॉजिटिव रख अपने अल्लाह से जुड़ के रख मेरा अल्लाह मालिक है अगर वो हो जाते हैं तो कोई ऐसी नहीं है ख़तरनाक चीज़ लेडी डॉक्टर्स उसके लिए आपको वो अर्ली स्टेज पे है वो थोड़े से आपको हारमोनस अगर हारमोनल एम्बेलेंस हो कई बार आपको डाइट्री एडवाइसेस कई बार आपको वो लाइफस्टाइल एडवाइसेस वो चेंज करने के लिए कह देते हैं डिपेंडिंग ऑन एज ट्वेंटी और थर्टी में बड़े कम होते हैं ठीक है लेकिन अगर आपकी शादी भी हुई हुई है आप चाइल्ड बियरिंग एज पे आपकी प्रेगनेंसीज भी होनी है और फाइब्राइड बहुत बड़ा पड़ा हुआ है तो वो फिर उस हिसाब से वो एडवाइस देते हैं कि नहीं यार इसमें आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम है इसको पहले रिमूव करवाएं या सर्जरी करा लें मुखलिफ अप्रोचेज हैं उसके हुए? ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से पूछा था क्योंकि एक प्रॉब्लम से मैं गुजरी थी से पाँच छह साल पहले हेमराइड बन गए थे, बन थे। वो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रेगुलर रहती है क्योंकि मेरा खाना पीना बहुत नॉर्मल सा था बहुत मतलब खा लिया तो खा लिया नहीं खाया तो कॉन्स्टिपेशन को इतना कभी सीरियस ही नहीं लिया कॉन्स्टिपेशन बीमारियों की माँ कॉन्स्टिपेशन की वजह से ना मुझे हेमेरॉयड हो गया था मैं चाहूंगी कि आप क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर हैं आप उसे आसान लफ्जों में बता दें हमारी आवाम को आम को बवासीर का बहुत पता है काम पूरी कौन हो बवासी किसी ख्याल दी है किसी न सोच दी है एट वाली तो बड़े कम को है किसी भी एज ग्रुप के लोगों हाई फाइबर डाइट वो आपके खाने में फल सब्जियां जरा ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है मैदा बेकरी सोडा बेक चीज़ें ये कम होनी चाहिए आपकी बैलेंस डाइट आज कल तो हर एक को पता कैसे है लेकिन आपके फल सब्जी जरा ज़्यादा हो पानी आपके खाने के शुरू में हो अच्छा बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना लें किसी चीज़ में एक्सट्रीम्स पे ना आ जाए ठीक है और आपको अल्लाह ने जो हलाल कर दी है उसे हलाल तरीके से खाएं और जिंदगी में हौसला रखें दोबारा मिल जाएगा इस तरह ना खाएं कि आखिरी खाना खा रहे हैं ठीक है ना ये इस तरह खाएं कि नहीं मैंने नहीं खाना मुझे ये भी नहीं पसंद मुझे वो भी नहीं पसंद मुझे वो भी नहीं कद्दू टिंडे तो खाने ही नहीं है आखिर कद्दू टिंडे का भी आपकी जिंदगी में कोई रोल है बाद में ये एक हकीम साहब है लाज बिल गजा करते हैं वो तो बंदों को नाइन्टी परसेंट बंदों को कद्दू टिंडे खिला खिला के ठीक कर देते हैं <laughs> ठीक है वो बंदा कहता है मेरे जो सारी जिंदगी नहीं खाई मुझे अब खाना पा रहे हैं तो बैलेंस पे आ जाता है ना उसकी बेसिकली वो खैर वो उसकी बॉडी केमिस्ट्री के अंदर उसकी पी को एसिडिक से अल्कलाइन कर रहे होते हैं उसको वापस उधर ला रहे होते हैं लेकिन जहां तक बवासीर या पाइल्स या हेमराइड के केस है आप जो कह रही हैं कि आपको इंजेक्शन लगे वो मोस्ट लाइकली वहाँ कट आ गया होगा और उसमें इन्फेक्शन हो गई होगी उन्होंने वो आपको एंटीबायोटिक दी वो तो एंटीबायोटिक दे के उन्होंने आपकी इन्फेक्शन ठीक की प्लस आपको कहा कि आइंदा कब्ज ना होने दो आपने अपनी डाइट ठीक की कब्ज बड़ा नहीं नहीं हुआ पानी का इंटेक्टी का स्किन के ग्लो के लिए पानी बढ़ा बहुत ठीक है एक बात याद रखें हमारी बॉडी में टू थर्ड पानी है वन थर्ड सिर्फ सॉलिड है ठीक है और ये पानी अगर बॉडी में कम हो जाएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगी ये स्किन चढ़ मुझे जा हो जाता है, तो है पानी जो है वो आपने पूरा लेना है ये जमीन की जो कंपोज़िशन कम्पो, है अर्थ जो है इसमें टू थर्ड पानी है वन थर्ड खुश की है इंसान की भी यही कम्पोजिशन है तो पानी पूरा रखें खाने के शुरू में हल्का सा नीम गर्म पानी लें बहुत ठंडा पानी ना लें और खाना जो खाएं उसमें हाई फाइबर डाइट चक्की का आटा लें उसे छाने ना चपाती कम रखें सालन ज़्यादा लें ऑयल देसी घी फिर मैं नेचर पे आ जाऊँगा ऑर्गेनिक घी में अगर आप खाना मुश्किल है लोगों के लिए लेकिन अगर वो यूज़ करें दैट इज़ फाइन हमारे जुलम ये है कि जो ऑयल्स आपके आते हैं ना दूसरे वेजिटेबल या एडिबल ऑयल्स इनके डब्बों पे लिखा होता है विटामिन डे और ई और डी और ए शामिल है वो नहीं होता उस डेफिशिएंसी से बहुत मसले आ रहे हैं हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ठीक है तो वो देसी घी में वो नेचुरली होता है अदरवाइज फिर आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें कैल्शियम लें ई लें ए लें फिलहाल वाइटामिन लें, लें फिलहान वाइटामिन लें, लें ये सारी बातें फिर डॉक्टरी हमारे हथे आ जाएगी लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट रखें वेजिटेबल और फ्रूट्स और थोड़ा सा मीट भी ले लें थोड़ा सा कभी बीफ भी ले लें और अगर आपको आप गरीब हैं आपकी नई जेब इजाज़त देती तो आप दालें और सब्जियां और फल इसमें भी आपका बैलेंस हो जाएगा बिल्कुल सही लेडीज़ का जो एक मखसूस आयाम होता है ठीक है उसके अंदर जो घरेलू ख़वा है वो तो शायद इतने चैलेंजेस फेस नहीं करती और जो वर्किंग वमेन है उनके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो ऑबियसली बता भी नहीं सकती किसी को और उन्होंने वो अपना प्रॉपर काम भी उस तरह ले चलना है तो इसमें बड़े अजीबों गरीब किस्म के मूड स्विंग्स भी हो रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें आपकी इंटरनल बॉडी पे भी इफेक्ट कर रही होती हैं और एक्सटर्नल पे भी कर रही होती हैं तो उनको किसी तरह मैनेज किया जा सकता है खुद ही एडमिट कर रही हैं कि मूड स्विंग्स भी आ रहे होते हैं है? अब ये मसले हैं जो नेचुरली खुत में ठीक है और ये नेचर में रब ने रखे हैं क्रिएटर ने तो जब रखे हैं तो इसका उन्हें को फ़ायदा होता होगा चाहे उन्हें वो आबाजारी हो या हो रहा है अनकम्फर्टेबल है वो लेकिन अल्लाह ने वो अगर चार पाँच दिन हफ्ता उनमें रखा है तो उनके लिए कोई फ़ायदा उसमें ठीक है ना उसको अन नेचुरली अगर वो ख़त्म करेंगी तो भी काम ख़राब होगा बहुत सी खवीन है जो आती हैं कि जी मैंने हज हाँ उमरे पे जाना था मैंने डॉक्टर साहब से पूछ के मैंने एक्स्ट्रा हारमोन ले लिए कि मुझे वहाँ आए ना वो मैंने खा लिए लेकिन अब आज पाँच साल हो गए हैं और मेरी रेगुलरिटी हो गई हुई है और अब ये फाइब्राइड हो गए अब ये हो गया अब वो तो हो गया वो दिन हो ऐसे नहीं करना चाहिए तो अगर आप उम्र पे जा रहे हैं तब भी नहीं कर सकते तो आप ना करें ना आप वहाँ फिर सफर कर लें आप आराम से होटल में गुजारा कर लें ठीक है और आप अगर अल्लाह के साथ जुड़ेंगे तो जरा जल्दी आपके हो जाएगा काम अगर वो आपको उस दिन कह रहा है कि यार हरम में आज बहुत रश है तू जरा अंदर ही रहे तू होटल में रह तीन दिन ठीक है और तू बाद में आ जाइ ठीक है तो अच्छी बात है बजाय इसके कि आप गोलियां खा के वहाँ पहुँचे वहाँ रश पड़ा हुआ था धक्कम ठीक है और मज़ा भी ना आया वो उ, अच्छा करने ये टैबलेट आप नहीं ले सकते नहीं नहीं लेते हैं लोग ले भी सकते हैं ये बनाई हजरत इंसान देखिए इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है लेकिन क्यों मरवाना है मुझे लेकिन आपकी बॉडी पे जहा आप जहाँ अननेचुरल जाएंगे आप उसकी कॉस्ट तो कुछ पे करनी पड़ेगी ओ ठीक है ख़वान प्रॉपर्टीज़ रखवा लेती हैं या शादी हो गई है या ट्यूब्स बंद करा लेती हैं मैं आज फिर ये कहूँगा कि अपने हसबेंड से कहें कि वो ट्यूब्स बंद कराएँ या फिर वो बैरियर लड़कियों के साथ औरतों के साथ खातून के साथ ये ज्यादती है उसकी बॉडी से ज्यादा और लेटर ऑन लाइफ में भी उसके साथ है मैं क्लियर कट कह रहा हूँ चाहे गायनी वाली सारी मेरे खिलाफ हो जाए और ये चीजें इतनी कॉमन है मतलब हमारे घरों में ये चीजें बुरी ये समझी नहीं जाती क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ चलती ही ऐसे आ रही है नहीं वो उस बच्ची के साथ उस औरत के साथ जाती है उस माँ के साथ जाती है उसके आने वाले अगले जो साल हैं उसके साथ जाती है ये दो ट्यूब्स बंद कर दी आपने दो नहरें बंद कर दी उसकी कुदरत की बाद में वो सवेयर ऑस्ट्रियथ्राइटस गोडे गिट्टे टांगे हड्डियां लेके बेचारी पचास साल की उम्र में सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही होती उससे ठीक है नेचर ने उसमें ये सिस्टम रखा है उसका यूट्रस मीनो के बाद तो वो काम नहीं कर रहा होता लेकिन उसके वही हारमोन्स उसकी बॉडी स्ट्रेंथ उसके दूसरे बहुत सी बोन्स और जॉइंट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं जिन माओ ने साथ साथ बच्चों को दूध पिलाए हुए हैं और बिल्कुल ठीक नॉर्मल लाइफ गुजारी हुई है पतली दुबली भी हैं सत्तर साल की उम्र में भी सीढ़ियाँ यूँ चढ़ रही होती हैं exactly. और जिन्होंने दो दो बेबी की है फिर च्यूब्स पंच आ ली फिर फीड भी नहीं कराया बहुत जी खराब हो जाएगी वो इतनी इतनी मोटी हो के पचास साल की उम्र में डॉक्टर साहब मेरे घुटने चेंज कराए ना स्टील के अच्छा आफ्टर hmm. मैरिज कुछ लोगों का ये भी प्लान होता है कि भाई हम अभी फैमिली नहीं प्लान कर सकते पच्चीस छब्बीस में शादियाँ हो जाती हैं तो फैमिली प्लान नहीं कर सकते और वो तब भी मेडिकेशन औरत यूज़ कर करे कर लेती हैं तो वो... मर्द को कहें वो करे प्लानिंग औलाद hmm. तो उसको चाहिए ठीक है मैं तो औरतों की साइड ले रहा हूँ लेकिन मुझे पता है सारी गायने की जितनी प्रोफेसर हैं वो सारी पूरे बच्चियों को कहती हैं इसके पास से नहीं गुज़रना फाइनल ईयर के लेक्चर ना डॉक्टर साहब को दे ठीक है तो बेटा जी वो उस वक्त प्लान कर लेती हैं बाद में वो सारी रहमान सुन रही होती हैं पैंतीस के बाद सर एक बेटा ही हो जाए एक बेटी हो जाए ठीक है वो सर आईवीएफ कराया है सर वो भी फेल हो गया सर आईवीयू कराया है, वो भी फेल हो गया सर अब ये मुझे एक बेबी तो मिल जाए पहले वो भी प्लानिंग थी हूँ थोड़ी तो प्लानिंग है चलेगी किसकी एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है होगा मेरी चाहत है तो जहाँ आप इंसान नहीं रहे ना आप अल्लाह ना बने यार नहीं बना जाएगा अल्लाह को साथ रखें अल्लाह के साथ साथ रहे अल्लाह ना बस नाराज़ हो माशूक ना नाराज़ हो माशूक को ना छोड़ें उस जुड़ जुड़ के रहें आप बादशाह हैं कायनात में यानी किसी भी तरह की मेडिकेशन इस तरह की नहीं ले मजबूरी हो तो करें अदरवाइज तो फिर बच्चे देखें एक खातून है वो टोटल नेचुरल लाइफ गुजार रही है एक खातून है उसने उसमें अपने ये गोलियां टॉफियां इस्तेमाल फरमाई हैं फॉर डिफरेंट रीज़ंस गुड रीजंस और बैड रीजंस ठीक है कॉन्सिक्वेंस तो आएंगे कि नहीं आएंगे दोनों सेम तो नहीं होंगे तो कुछ लोगों का अगर आफ्टर प्रिकॉशन भी ये प्रोसेस हो गया लेकिन अब वो फिर हमल गिराने के लिए भी तो चले जाते हैं जाते हैं तो अल्लाह ने तो मना किया ना कि तुम्हारे लिए खतरनाक है और ख़वान की जान तक इसमें चले जाती है थोड़ा सा लेट हमल अगर गिराएं तो उसकी जान भी जा सकती है मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं कई बार पहला बेबी ज़ाया करा कराती है कि नहीं अभी हमें बचा चाहिए हमने अभी जाना बाद में पता चलता है कि जी अब सारी जिंदगी ही नहीं बन सकती और वही खामन साहब जिनके साथ मिल के प्लानिंग की होती है वो अब दस साल बाद गन पॉइंट पे शादी कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे मेरी अम्मी कह रही है ना मैं क्या करूं मुझे औलाद चाहिए और वो बेचारी अब उसकी शक्ल देख रही होती है कि मैंने इसके साथ मिल के प्लान किया था hmm. तो डिसएडवांटेज पे कौन गई काकी ठीक है तो नेचर ने जो उसको तैयार कर दिया था पहले प्लानिंग उसी की चलती है याद रखिएगा लास्ट मैसेज ये दे दें कि 20 से 30 साल तो हमने बड़े अच्छे से कवर कर लिए नेक्स्ट आप ही हमारे साथ रहेंगे 30 से 40 कवर करने के लिए और उसमें भी आपकी साइड से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आप जिस मर्जी एज ग्रुप के हैं अपने आप से प्यार करें मेरा मैसेज ये है अपने आप को पहचाने आप कौन है आप सिर्फ ये बॉडी नहीं है आप क्या है आप कौन है अल्लाह ने आपको इस दुनिया में इंसान बना के भेजा है क्या आप इंसान हैं और चाहता वो आपसे ये है कि उसने इंसान बना के तो भेज दिया आप बंदा बन जाए तो क्या आप बंदा बन गए नहीं बने तो बंदा बने